मैं प्रवासिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे चिली पनीर, वो भी न्यू प्रोसेस से, जिस तरह से रेस्टोरेंट या फिर ढाबे में ग्रेवी टाइप का चिली पनीर मिलता है, उसी टाइप का आज हम चिली पनीर बनाएंगे। चिली पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को हम एक बड़े से प्लेट में डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ चम्मच कॉर्नफ्लोर और हाफ चम्मच मैदा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे रेड चिली सॉस। मेरे पास रेड चिली सॉस नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। अब हम इसमें हाफ चम्मच पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला के इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से हाथों से इसको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पर पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पनीर को डालेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखकर इसको पलट लेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ही इसको फ्राई करना है। बचा हुआ पनीर को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसको पलट लेते हैं। पनीर अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं।
है पनीर को मैंने निकाल लिया है। पनीर को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही इसको फ्राई करना है। अब हम चिली पनीर बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम ऑयल में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्च। डाल के इसको अच्छे से हिला लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, तो अच्छे से मिला के 1 मिनट के लिए गैस के फ्लेम को लो फ्लेम में रखकर इसको थोड़ा सा पकने देंगे। शिमला मिर्च को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसी बीच में हम ग्रेवी बना लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, उसके बाद डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल बना लेते हैं। कैप्सिकम अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही नमक डालना है, डाल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच सोया सॉस, गैस की फ्लेम को लो फ्लेम में रखकर ही इसमें सॉस डालेंगे। 2 बड़ी चम्मच टमाटो सॉस, 1/4 इसको अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर की जो घोल बनाए थे उसको भी डाल देंगे। उसको डालकर लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर, डाल के इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो फ्लेम में रख करके इसको अच्छी तरह से हिलाएं।
अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम इसको एक मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल चिली पनीर बनकर रेडी है, अब हम इसको सर्व करते हैं। ये हमारी टेस्टी चिली पनीर बनकर रेडी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।